सामना ने वन मंडल श्योपुर का है, जहां जलाऊ लकड़ी के नाम पर इमारती लकड़ी का परिवहन कलमी बीट के बिट गार्ड और डिप्टी रेंजर की सह पर माफियाओं द्वारा जंगल से सीधे आरा मशीनों पर किया जा रहा है। यहां आपको बता दें कि अपनी करतू छुपाने के चक्कर में बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर द्वारा कलमी बीट से आंधी तूफान से गिरे मरे पेड़ की जलाऊ लकड़ी दो दो चट्टा के चालान काट कर चालान में ढेंगदा वन डिपो पर लकड़ी परिवहन करा कर भेजना बताया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। वन डिपो ढेंगदा पर ना तो लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है, ना ही डिपो पर जलाऊ लकड़ी है। डिपो के कर्मचारी की माने तो विगत 6 माह से डिपो पर जलाऊ लकड़ी नहीं है, ना ही आज दिनांक तक डिपो पर जलाई लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बिट गार्ड और डिप्टी रेंजर द्वारा अपनी बिट से जलाऊ लकड़ी के स्थान पर जंगल से हरे भरे पेड़ कटवा कर इमारती लकड़ी का परिवहन डिपो के स्थान पर सीधे वन माफियाओं की आरा मशीन पर कराया जा रहा है, जहां कलमी डिबिट से जलाऊ लकड़ी के नाम पर डिप्टी रेंजर द्वारा काटे गए दो दो चट्टा लकड़ी के चालन पर डिप्टी रेंजर और वनपाल की मिलीभगत से माफियाओं से हरे जंगल काट कर इमारती लकड़ी परिवहन करवाई जा रही है। सरकार एक दो ट्रॉली इमारती लकड़ी लाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके संज्ञान में हमने आपको बताया भी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जंगल से जो है इमारती तो नहीं के लिए तो कोई लाने का प्रावधान नहीं है, हमने जलाऊ के लिए जो है रसीद काटने का बोला था, अब आप जो बोल रहे हैं तो हम उसको चेक करवा दें।